राजस्थान सरकार द्वारा जो अभी अघोषित लॉकडाउन है, जिसको कि कोविड प्रोटोकॉल को मेंटेन करने के हिसाब से दिया गया है, इसमें व्यापार तो बिल्कुल 100% ठप है। तो व्यापार नाम की कोई अभी इस समय बाज़ार में चीज़ नहीं है। हम ये नहीं कहना चाहेंगे यहाँ पे कि ये लगाना सही था गलत था, बिकॉज़ ये मुद्दा अलग है। हम सिर्फ यहाँ पे चर्चा करेंगे कि इससे कि व्यापार को क्या हानि हो रही है। व्यापार ऐसा माने आपकी ज़ीरो है, और जो ऑनलाइन की जो पोर्टल्स हैं, जैसे वो फ्लिपकार्ट हो, जैसे अमेज़न हो, उनकी तो चांदी कट रही है। और पूरा हिंदुस्तान का पूरा व्यापारी जो है, छोटा बीच वाला बड़ा जितने भी व्यापारी है, जैसे भी हैं, उनके लिए सबके लिए आर्थिक संकट और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए भी, उनको गुजर बसर करने के लिए, अपने स्टाफ को रखने के लिए बहुत ज़बरदस्त दिक्कत है और परेशानी है। ऐसा लगता है कि ये जो एक साल सवा साल का समय निकला है, ये अब इसकी चरम सीमा है कि अब इसके बाद में या तो सब लोगों को हाहाकार मचेगा और सड़क पे आएंगे, या लोग त्राही माम करके और कुछ सरकार की तरफ देखेंगे या फिर व्यवस्था की तरफ देखेंगे कि कुछ कहीं से कुछ सांस लेने की गुंजाइश हो। सरकार द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए लगाई गई पाबंदियों का अर्थव्यवस्था पर और रोजमर्रा पर बहुत जबरदस्त असर पड़ा है। पब्लिक में त्राही त्राही मची पड़ी है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने पीने के लिए सामान नहीं है। एक आम आदमी इस वक्त बहुत जबरदस्त परेशान है। सरकार से यही एक सिफारिश की जाती है कि अभी जितनी भी आपकी राशन की दुकानें हैं जिनको अलॉट की गई है, उनको एक्टिव किया जाए, यहाँ के पार्षद को एक्टिव किया जाए। उससे क्या है, वो डोर टू डोर जाके राशन की दुकान वाला जाएगा और फिर रोजमर्रा के सामान की चीज़ें उपलब्ध कराएगा, जिससे सरकारी दाम पर ही वो माल बेचेगा। अभी जो कालाबाजारी हो रही है, जिस इकोनॉमी पे इतना ज़बरदस्त फर्क पड़ा हुआ है, 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में बिक रही है, 20 रुपये की 40 रुपये में बिक रही है, जनता बहुत बुरी परेशान है। जब ये सारी चीज़ें डोर टू डोर जाएंगे तो जनता बाहर ही नहीं आएगी। कुछ ही लोग जो बाहर आएंगे वो अपना पूरा जाप्ता करके आएंगे। यहाँ का जो पार्षद है, जिस एरिया का पार्षद है, उसको पार्षद को इस वक्त, दिस इज द राइट टाइम, पार्षद को इस वक्त जितना भी पब्लिक के लिए रोजगार की सामान की उपलब्धता कराए, उसकी उसको पता लगेगा कौन इकोनॉमिक कहाँ बैकवर्ड है, किसके पास पैसे की दिक्कत है, किसके पास खाने की दिक्कत है, वो अगर वैदी में प्रोवाइड कराएगा गवर्नमेंट की उस पर ही रेटों पर कराएगा, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी एकदम लाइन पे आ जाएगी। ये मेरा सजेशन है सरकार को कि ये क्यों बनाई गई है, राशन की दुकानें हैं, पार्षद है, पार्षद को एक एक चीज पता है, कहाँ उसका वोटर है, उस वोटर के लिए वो क्यों क्यों बनाया उसको पार्षद। तो सरकार से ये सिफारिश की जाती है कि जितनी भी ये एजेंसीज हैं जिनको आपने तैयार किया हुआ है, राशन की दुकान वाला है उसको आप, राशन की दुकान वाला सब्जी बेच सकता है, गेहूं भी बेच सकता है, चावल भी बेच सकता है, जो उसके पास है वो बेच सकता है, वो डोर टू डोर जाके करके आएगा, एक गाड़ी ले लेगा, उसको देके आएगा पब्लिक को, तो इकोनॉमी में बहुत फर्क पड़ेगा, मेरा ये सजेशन है। और पानी बिजली के बिल्स है, इनके ऊपर रोकथाम की जाए। अभी इनको किसी भी तरह से ये नहीं कर रहे तो अच्छा रहेगा, मेरी राय तो ये है। लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, आर्थिक स्थिति से बहुत खराब हो गई लोगों की, खाने पीने में कुछ मिल नहीं रहा है, काम धंधे सब बंद हो गए, कर्जा कर रखा है, कर्जा के चुकाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। मेरी चाय की दुकान है बंद पड़ी है, 10-15 दिन से बंद पड़ी है, 16 तारीख के बाद में बंद पड़ी है। सब्जी का लगाया हूँ, सब्जी का भी नहीं चल रहा है, 60-70 रुपये की सब्जी बेच के जा रहा हूँ, खराब हो जाती है रोजाना, इतना वो भी नहीं चल रहा है, घर का खर्चा नहीं निकल पा रहा है। आगे का तो अभी क्या सोचे, अभी तो कुछ ही नहीं है प्लान, अब आगे का तो अभी जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, अभी सरकार क्या करती है क्या नहीं करती आगे, कभी तो पूरा लॉकडाउन लगा देगी तो और ज़्यादा बर्बाद हो जाएंगे। काम धंधा काफ़ी कमज़ोर है पहले से, बाजार में रोटेशन नहीं है, माल की आवाजाही प्रॉपर नहीं है, कोई भी डिलीवरियाँ नहीं हो रही टाइम पे, ना मंडी में माल है, व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमराई हुई है, धंधे पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। ये जो समय किया है इससे मैं सहमत तो हूँ जनहित के हिसाब से, भाई चलो ठीक है, आम जनता तकलीफ में नहीं आनी चाहिए, सबका भला होना चाहिए। गहलोत सरकार ने जो ये डिसीजन लिया है लॉकडाउन का, सुबह किराने व्यापारियों को 6 से 11 का समय दिया है, मैं सहमत हूँ, लेकिन इसकी व्यवस्थाएं इतनी गड़बड़ है, जैसे मेन रोड की दुकानें 11 बजे क्लोज कर दी जाती है और गली में कॉलोनियों में सारी दुकानें खुली है, सबका व्यापार चल रहा है, वो सुबह से शाम तक धंधा कर रहे हैं, तो मेन रोड वालों पे काफी असर है।
इस पे थोड़ा सुधार किया जाए, ध्यान दिया जाए। मेरी सरकार से ये अपील है, गुजारिश है कि इस पे थोड़ा फोकस किया जाए और बाजार की स्थिति को बिल्कुल नॉर्मल करने की कष्ट करें। और बस यही कुछ है, मैं मानता हूँ इस चीज़ से आदमी घर पे रहेगा तो चैन जरूर टूटेगी। जैसे पहले मोदी सरकार ने किया तो काफ़ी फर्क पड़ा था, उस बाद जनता ने काफ़ी लापरवाही करी, काफ़ी जीवन करे, काफ़ी सवामणियाँ करी, उसमें लोगों ने वापस कोरोना इफेक्ट हो चुका है, अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मेरा छोटा भाई खुद डॉक्टर है, सहायक आचार्य है, डॉक्टर रोहन तांबी महात्मा गांधी में, वो काफ़ी परेशान है अभी, उसके पास इतने फ़ोन है, इतने केसेस हैं इमरजेंसी के, उसको टाइम नहीं है बात करने का, बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर है, RUHS में बेड नहीं है, सारी समस्याएं बहुत विकट है। तो इसलिए मैं आम जनता से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, घर पे बने रहें, जरूरत के लिए बाहर निकलें, इसके अलावा बाहर ना निकलें। तरीके दूसरे भी तो हो सकते हैं, दुकानें बंद करने से कोरोना संक्रमित हो गया क्या? आप देखो 17 तारीख से लॉकडाउन लगा हुआ है एक प्रकार से, आज कितनी तारीख हो गई, 29 तारीख हो गई, क्या 29 तारीख और 17 तारीख से 29 तारीख के बीच में केसेस कम आने स्टार्ट हुए या नहीं हुए? नहीं हुए ना, बढ़ ही रहे ना, तो फिर लॉकडाउन का असर क्या रहा? आप उसका तरीका दूसरा अपनाओ, सख्ती करो, धंधे पानी भी बंद कर रहे हैं लोगों के लिए, लोगों के धंधे नहीं चलेंगे तो खाएंगे क्या? सरकार कब किसको कब देती है और क्या देती है ये आम पब्लिक को ही पता है और सबको पता है। सरकार के घर में राशन डलवा रही है, पैसों की व्यवस्था कर रही है, मेरी EMI दे रही है, मेरे ब्याज के पैसे दे रही है सरकार। तो ऐसा बहकावा, ऐसा नाटक क्यों हो रहा है? सच्चाई क्या है वो लोगों को बताई जाए, सच क्या है ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। बीमारियां तो पहले भी होती थी, बीमारी के बचाव होते हैं, उसको तरीका होता है, ये थोड़ी है कि सड़क पे चलो कुछ सामान लेने जाओ पुलिस डंडा मारती है। तो पुलिस कोई सब जनता की लोकतंत्र है क्या है ये? मतलब पुलिस माई बाप हो गई सबकी, जिसको जो मर्जी है गाली दे देती है, क्या अधिकार है उसको गाली देने का? आम पब्लिक इसका मतलब जानवर हो गई? सुविधाएं तुम्हारे पास है नहीं, पिछले साल कोरोना आया उसके बाद ठीक होना स्टार्ट हुआ, क्यों मेडिकल फैसिलिटी नहीं बढ़ाई गवर्नमेंट ने, क्यों अस्पताल नहीं बनाए? क्या इतने जो पेशेंट आ रहे हैं, एक राजस्थान में 16,000 पेशेंट डेली के आ रहे हैं, तो क्या 16,000 पेशेंट के लिए व्यवस्था ही नहीं है? इतना बड़ा राज्य है ये, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी नहीं है? तो सरकारों को हम टैक्स देते हैं, इतना कहाँ जाता है वो पैसा? फिर सोचने का विषय है ना, लेकिन कौन बोलता है? सब अपनी जेबें भरने में लगे हुए नेता। क्या उपाय होने चाहिए कोरोना की रोकथाम के लिए? आप बोल रहे हैं कि सरकार की तरफ से, मैं अगर एक्सपर्ट होता तो मैं बता ही देता ना, कि तो जब इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं वो किस लिए बैठे हैं? फिर लॉकडाउन लगा दिया AC रूम में बैठ के, बस उनको तो तनख्वाहें मिल रही है ना, उनकी तनख्वाहें बंद कर दी क्या गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा के? बंद तो हमारा हुआ ना कारोबार, कमाई तो हमारी बंद हुई, हम क्या कमाए, क्या खाएंगे, फिर क्या हम बच्चों का भविष्य बनाएंगे? जो बचा हुआ था सारा पिछले लॉकडाउन में खत्म हो गया, बाकी बचा खत्म हो जाएगा, फिर कटवा लेके भीख मांगेंगे? लोगों की अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ गई है, खासतौर पर गरीब आदमियों के लिए। तो गरीब आदमी डेली कमाता है, डेली खाता है, और मतलब डेली कुआ खोता है, डेली पानी पीना, गरीब आदमियों के लिए। अमीरों के लिए कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये चीज़ जरूरी भी है, क्योंकि इसमें गरीबी ही मरेगा, अमीर नहीं मरेगा। अमीर के पास पैसा है, वो हॉस्पिटल चले जाएगा, अच्छे अच्छे इलाज करा लेगा, लेकिन गरीब आदमी क्या कराएगा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएगा, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, कभी क्या सुविधा नहीं है, कभी बेड नहीं है, लोग बाहर भी रख रहे हैं, वैसे मर रहे हैं, तो वैसे भी मरना गरीब आदमी का। इसलिए जरूरी भी है कि लॉकडाउन लग जाए तो ठीक है, अच्छा है कि कम से कम कुछ आदमी बचेगा, सही कम से कम, नहीं तो कोई भी नहीं बचेगा। और अगर जनता है तो सब कुछ है, जनता ही नहीं रहेगी तो फिर क्या रहेगा, पैसा किस काम का, कोई काम का नहीं पैसा ही, इसलिए बेस्ट है सर। आपके हिसाब से इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए? सर अब जिस हिसाब से ये मरीज मिल रहे हैं, हॉस्टल में है, इलाज नहीं हो पा रहा, इसलिए बेस्ट है इसको बढ़ा ही दिया जाए थोड़ा बहुत। अगर ये पीक अभी बोल रहे हैं पीक आएगा, अगर ये पीक आता है तो ज़रूरी है इस पीक को 2 रुपये लॉकडाउन ही रहे और थोड़ा बहुत
जनसंख्या बच जाए और अपनी जनता बच जाए। धंधा तो चलो पैसा तो फिर भी है, चलो आदमी कल कमा लेंगे, कोई मजिशो नहीं है, लेकिन जरूरी है अगर जनता बचे तो।